गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देव ऋषि भारद्वाज टुडेज टॉपिक इज़ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिए हैं इसमें हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल वन देखो इससे पहले मैं सारे फॉर्मूले एक वीडियो में बता चुका हूँ आप उस वाली वीडियो को जरूर देख लें इससे पहली वीडियो तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अ करंट ऑफ पॉइंट फाइव एमपियर ये करंट दे रखा आई की वैल्यू इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर टेन मिनट्स अब मिनट आ गया तो मतलब टाइम टेन मिनट इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्यू कुल में ये ये पूछा हुआ है दैट फ्लोस थ्रो द करंट सर्किट तो क्या है देखो आई टी क्यू कोई फार्मूला याद करो क्यू इजकल टू आई टी एक फॉर्मूला है या आई इजिकल टू क्यू ओपॉन्टी मैंने बताया था तो एक ही बात है आई इजिकल टू क्यू ऑपॉइनटी या क्यू इजिकल टू आई टी हमको क्यू फाइंड करना है तो क्यू इजकल टू आई टी लिख लिया तो सबसे पहले हम लिखना है इस तरीके से क्या क्या दिया हुआ है आई दिया हुआ है पॉइंट फाइव एम पी आर टी दिया हुआ है टेन मिनट मतलब सिक्स हंड्रेड सेकेंड ऐसे एंड थर्ड लिखोगे कि क्या पूछा इसने क्यू क्यू टू क्वेश्चन मार्क इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लोगे फिर आंसर लगाओगे क्यू इजिकल टू आई टी और वैल्यू रख दो आईकेजे पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई सिक्स हंड्रेड आंसर आ जाएगा थ्री हंड्रेड कोलाम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ टू कुल क्यू दे रखा है ठीक है कुलम अक्रॉस टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस ट्वेल्व वोल्ट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वी दे रखा है क्यू दे रखा है वी दे रखा है वर्क डब्लू पूछा हाउ मच वर्क अब देखो डब्ल्यू वी क्यू में कोई फार्मूला वी इजिकल टू डब्ल्यू ओपन क्यू मैंने फार्मूला बताया है ठीक है तो वी इजिकल टू डब्ल्यू ओपन क्यू लगेगा तो हम बोल सकते हैं डब्ल्यू फाइंड आउट करना है तो डब्ल्यू इजिकल टू वी क्यू ये एक ही बात है वैल्यू रख देंगे वी की वैल्यू ट्वेल्व वोल्ट और क्यू की वैल्यू टू गुलाम तो आंसर ट्वेंटी फोर जूल जूल होती है वर्क की यूनिट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब क्या पूछा है हाउ मच करंट आई की वैल्यू पूछी है सबसे पहले लिख लेंगे आई इजल टू क्वेश्चन मार्क फ्रॉम अ 220 हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट सोर्स वोल्टेज वी दे रखे हैं, ठीक है आई पूछा है वी दे रखा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दर्ल्व फिलामेंट इज ट्वेल्व हंड्रेड ओम आर दे रखा है अब आई वी आर कोई फॉर्मूला ओम लॉ सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ वी इजकल टू आई आर वही लगेगा v लगा लो देखो फार्मूले को अपने अकॉर्डिंग लगाओ v इजिकल टू आई याद है तो वही फार्मूला लिखो उसी में वैल्यू रखो और उसको so सॉल्व करो मैं सीधा बता रहा हूं करंट i की वैल्यू पूछिए तो i इजिकल टू वी अपन आर लिख सकते हैं i इजिकल टू वी अपन आर तो v कितना है दो सौ बीस अपॉन आर कितना है बारह ओम सॉल्व कर लेंगे पॉइंट वन एट एम्पीआर एमपीयर करंट की यूनिट सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट हाउ मच करंट फिर से करंट i पूछा है ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इल ड्रॉप फ्रामू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट वोल्टेज दे रखे हैं आई पूछा है वोल्टेज दे रखे हैं इफ द रजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल हंड्रेड आर दे रखा फिर से सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है आई पूछा आई तो दो सौ बीस और आर कितना है हंड्रेड सॉल्व करेंगे दो सौ बीस को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे टू पॉइंट टू एम पी आर ठीक है तो इतने करंट फ्लो होगी नेक्स्ट क्वेश्चन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज सिक्सटी बोल्ट सिक्सटी बोल्ट दे रखा है वी की वैल्यू दे रखी है वेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ फोर एम्पियर करंट आई की वैल्यू दे रखी है वी मिल गया आई मिल गया फ्रॉम सोर्स। वॉट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या पूछा है कि करंट कितनी होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस इनक्रीज हो जाए टू वन हंड्रेड ट्वेंटी एक हो जाए पहले सिक्सटी था अब 120 हो जाए तो पहले करंट फोर थी अब कितनी हो जाएगी ये पूछा हुआ है तो देखो ओम्स लॉ ओम्स लॉ में वी इजिकल टू आई आर जब हाँ पर क्या होता है आर कांस्टेंट होता है सेम सर्किट की बात कर रहे हैं सेम हीटर है कोई चेंज नहीं हुआ है तो जो भी अगर सेम रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा जब रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि आर इजिकल टू वी अपन आई ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ का आर इजिकल टू वी एप आई तो हम बोल सकते हैं कि आर इजिकल टू वी वन अपॉन आई वन इजिकल टू वी टू अपन आई टू मतलब पहले वोल्ट को करंट से डिवाइड कर दो तब भी रेजिस्टेंस जो आएगा या सेकेंड टाइम जो हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज बढ़ा दिए या घटा दिए उस टाइम जो वोल्टेज होंगे और फिर जो करंट आएगी वो आंसर रेजिस्टेंस सेम ही आएगा ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं आर इजिकल टू वी अपन आई तो सिक्सटी अपॉन फोर ठीक है सिक्सटी दिया हुआ है वोल्ट और करंट दिया हुआ है फोर जिकल टू फिफ्टीन ओम मतलब पंद्रह ओम फिफ्टीन ओम आ गई अब फिफ्टीन आर की वैल्यू आ गई अब हमको क्या करना है कि वोल्टेज कितने कर दी 120 तो करंट कितना होगा तो हमारे पास आर यहाँ से आ चुका है हम इस आर का यूज कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा कभी भी इस तरीके से सेम सर्किट में तो हम क्या करेंगे अब हमारे पास आर है वी है आई निकालना है तो आई इजिकल टू वी अपन आर ओम स्लो ही है वी इजिकल टू आई आर आप जो भी अपने तरीके से लिख सकते हो तो आई इजिकल टू वी अपन आर ठीक है तो की वैल्यू कितनी १२० और आर ये फाइंड आउट हो गए अपॉन पंद्रह आंसर आ गया एट एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल बायर ऑफ लेंथ वन मीटर एक बायर है उसकी लेंथ वन मीटर है इज २६ ओम रेजिस्टेंस कितनी है उसकी २६। अब हमें एल मिल गया आर मिल गया एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ द बायर इज पॉइंट थ्री एम एम डायमीटर दे रखा है पॉइंट थ्री एम एम डाया मतलब दे रखा है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस निकाल सकते हैं तो उस वायर का हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके जब रेडियस आ जाएगी तो क्योंकि पाई की वैल्यू पता होती है हमको ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन और आर की वैल्यू हम डायमीटर का आधा करके निकाल लेंगे लेकिन ये दे रखा है मिलीमीटर में तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले ठीक है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल रजिस्टिबिटी पूछिए रोम मतलब रो पूछा हुआ है ठीक है एट दैट टेम्परेचर तो एक फार्मूला मैंने बताया आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए या मैंने इसके साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमसे रजिस्टिविटी पूछी है तो रो इजिकल टू आर ए अपन एल एक ही बात दोनों है दोनों फार्मूले मैंने बताया कि कैसे भी लिख लो अपने तरीके से लिखो बस ये यहाँ पर मेरा तरीका फॉलो करो ऐसा ज़रूरी नहीं है अपने मेथड से लिखो बस सॉल्व करो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ इस फॉर्मूले को अब देखो आर रेजिस्टेंस तो दे रखी है हमको एरिया निकालना पड़ेगा या तो अलग से निकाल लो पाई आर स्क्वायर पहले आर निकालनी पड़ेगी या सीधा कर दो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर ठीक है आर स्क्वायर करें या डी स्क्वायर अपॉन फोर करें एक ही बात है तो अपने तरीके से निकालोगे और एल अप डिवाइड वाई करेंगे एल से तो यहाँ पर वैल्यू रख देनी है इसमें पूरे में और आर की वैल्यू रख देंगे कितनी ट्वेंट टौन, ट्वेंटी सिक्स ओम दे रखा है और पाई की वैल्यू रख देंगे ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन डी की वैल्यू कितनी आ गई ये देखो डी पॉइंट थ्री एम एम है तो हम लिख सकते हैं थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर मीटर ये वैल्यू रख देंगे ईडी में इसका स्क्वायर करेंगे थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन और टेन की पावर माइनस फोर का स्क्वायर होगा टेन की पावर माइनस एट ठीक है तो इस तरीके से वैल्यू रख देंगे अपॉन फोर से डिवाइड करेंगे और एल की वैल्यू क्या है वन मीटर है तो वन वन से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्व करने पर रोकी वैल्यू आ जाएगी रजिस्टिविटी आ जाएगी वन पॉइंट एट फोर इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स ओम मीटर रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर ठीक है तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा इसमें किसी टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए सब कुछ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अ वायर वायर ऑफ गिवन हैविंग लेंथ एक है जिसकी लेंथ एल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और उसका एरिया ए है हैज रेजिस्टेंस ओम और रेजिस्टेंस कितनी है फोर तीनों चीज रखी हैं लेंथ एल है सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है रेजिस्टेंस फोर है वॉट वुड बी द रजिस्टेंस ऑफ अनादर वायर ऑफ दिस सेम मेटेरियल उसी मेटेरियल का एक और वायर है जिसकी लेंथ कितनी है आधी पहले से आधी एल एलापोन टू एंड एरिया क्रॉस सेक्शन टू ए पहले का डबल एरिया डबल दोगुना मोटा तार है वो लेकिन लंबाई में आधा है तो क्या पूछा है वॉट वुड बी द रजिस्टेंस रजिस्टेंस क्या हो जाएगी देखो रजिस्टेंस जब लंबाई घट गई तो रजिस्टेंस क्या होगी बढ़ जाती है लंबाई घटने पर रजिस्टेंस सॉरी सॉरी रो एल लंबाई घटने पर रेजिस्टेंस घट जाती है और एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके बढ़ने पर भी उसके बढ़ने पर घटती है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस मैं बता चुका हूँ कि लेंथ के प्रोपोर्शनल रहती है डायरेक्टली और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है तो लेंथ कितनी हो गई लेंथ हो गई आधी अगर आधी हो गई तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस भी आधी हो जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया तो ये डबल होगा तो इसके इन्वर्स होती है तो फिर से आधी हो जाएगी तो आधी और आधी कितनी हो जाएगी आधी और आधी हम कह सकते हैं कि वन फोर्थ हो जाएगी पहले कितना है फोर तो आप कह देंगे कि एक चौथा ही रह जाएगी यानी एक रह जाएगी तो आंसर देखो वन आएगा जो आंसर होगा वो वन ओम होगा अब इसको तरीके से देख लेते हैं थोड़ा अभी तो मैंने ओरल समझा दिया देखो आर इजकल टू रो एलपोन ए है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं मतलब पहले उसमें बायर में तो आर वन मान लिया आर वन इजकल टू रो एल अपोन ए यानी रो एल अपोन ए की वैल्यू कितनी आ गई फोर ओम अब हम बात करते हैं बायर टू में जो क्या जिसकी लेंथ का आधी तो एल 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 की जगह क्या आ जाएगा एलअपॉन टू और ए की जगह क्या आ जाएगा टू ए एरिया की जगह टू ए अब देखो ये टू ऊपर डिवाइड में और नीचे आके क्या हो जाएगा फिर से डिवाइड में हो जाएगा तो वन अपॉन फोर बोल सकते हैं इसको नीचे टू है यहां भी टू है और ये टू नीचे आके मल्टीप्लाई में हो गया तो वन अपॉइट फोर रो एल अपोने की वैल्यू कितनी है ठीक तो है।, है तो रो की जगह जगह इसकी हम एलअर लिख सकते हैं कि नहीं तो वन अपॉइन फोर की मल्टीप्लाई हम इसमें मतलब फोर में करेंगे तो आंसर वन आ जाएगा कि नहीं ठीक है तो आंसर आर टू की वैल्यू आ गई ओम तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम कैसे करना है या सीधा सीधा भी आप कर सकते हो कि रो एल अपॉन ए इसको डिवाइड बाई इक्वल टू फोर अपॉन रो एल वाई टू अपॉन टू ए इजिकल टू एक्स मान लो ठीक है तो या कुछ भी मान लो एक्स मान लो हाँ तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दो इस तरीके से एल से एल कट जाएगा ए से ए कट जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होकर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक लैंप एक इलेक्ट्रिक लैंप है हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम ठीक है ये लैम्प है इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ फोर ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू सिक्स वोल्ट बैटरी और यहां पर सिक्स ओम का एक कंडक्टर है एक कनेक्टेड है देखो सीरीज में कनेक्टेड है सिक्स वोल्ट की बैटरी दे रखी है अब कैलकुलेट क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल रजिस्टेंस ऑफ सर्किट टोटल रजिस्टेंस कैलकुलेट करना है टोटल रजिस्टेंस क्या होगा देखो कितना इसका ट्वेंटी ये है और फोर ये है तो हमको ये सीरीज में है टोटल कितना हो जाएगा ऐड कर देंगे ठीक है टोटल देखो कितना हो रहा है ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर तो फर्स्ट वार्ट समझ में आ गया कि सीरीज में है देखो एक ही लाइन के अंदर है तो सीरीज में हम ऐड कर देंगे सेकंड पूछा है द करंट दी सर्किट क्या पूछा है करंट दी सर्किट एंड थर्ड सबसे अब सेकंड करते हैं कि करंट कितना होगा भाई करंट कितना होगा अब वोल्टेज दे रखे हैं सिक्स वोल्ट तो करंट पूछा है रेजिस्टेंस हमको पता पड़ गया ट्वेंटी यहां पर बल्ब का और फोर इसका ट्वेंटी फोर तो आई इजिकल टू वी आर फॉर्मूला ओम्स लॉ आई इजकल टू वी एफ आर आई इजिकल टू वी की वैल्यू कितनी सिक्स और आर की वैल्यू कितनी आई ट्वेंटी फोर आई थी अभी तो सिक्स अपॉन ट्वेंटी फोर कितना हो गया छः चौक चौबीस वन वाई फोर वन वाई फोर और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट टू फाइव एम्पियर आ जाएगा ठीक है तो सेकेंड पार्ट को दिखा देता हूँ ये देखो ये नीचे बिल्कुल इसके नीचे सिक्स वोल्ट अपन ट्वेंटी फोर तो पॉइंट टू फाइव एम्पियर ये बात समझ में आ गई थर्ड पार्ट देखते हैं इसका द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इलेक्ट्रिक लैंप पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है इलेक्ट्रिक लैंप पर यहां पर एंड कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा देखो इसको देख लेते हैं यहां पर V वीजिकल टू क्या होगा आई आर होता है V विजिकल टू आई आर होता है अब बल्ब कितने वोल्ट का है बल्ब पर पूछ रहा है ना ये पूरे में नहीं पूछ रहा वल्व पर पूछा रहा है तो वल्व तो ट्वेंटी ओम का है और करंट सेम रहती है अगर सीरीज में होते हैं तो करंट सेम रहती है तो वी इक्वल टू आई आई की वैल्यू कितनी पॉइंट टू फाइव है तो सेम रहेगी और आर कितना है ट्वेंटी तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव बोल्ट तो उस पर कितना होगा फाइव बोल्ट ठीक है और अगर और क्या पूछा और भी पूछ, देखते हैं और क्या पूछा है एंड कंडक्टर और कंडक्टर पर पूछा है अगर कंडक्टर पर पूछा है तो रेजिस्टेंस कितनी होगी फोर और करंट तो सेम रहेगी करंट कितनी आई पॉइंट टू फाइव तो वी इजिकल टू आई आर आई की वैल्यू कितनी पॉइंट टू फाइव की मल्टीप्लाई फोर में सो तो ये आ जाएगा वन वन वोल्ट यहां पर होगी इस कंडक्टर में वन वोल्ट ठीक है तो वन वोल्ट ठीक है तो आई होप समझ में आ गया होगा सारा का सारा क्वेश्चन और देखो क्या लिखा हुआ है हम बस यही क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ नहीं पूछा यहीं है, तक करना है सो आई होप कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा सो थैंक यू